नेटिव सेक्शन में आपको मिलेगा पूरा ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनियस प्लांट। ये देखिए गाइस, आपका यहाँ पे है एक्टिना फॉरेस्ट फ्लेम। तो ये रहा आपका सिट्रस ट्री सेक्शन। कुछ दिन पहले हमने किया था एक हाइक और दिस वन ऑपरेट्स ऑन सोलर इंक्लोज और आई एम श्योर लाइक सारी लेडीज को पसंद आएगा ये। हाय गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज फिर नए वीडियो में। तो हम आज आए हैं रिडल्स क्रीक नर्सरी। सो यहाँ पे प्लांट लेने आए, तो फिर हम आए हैं समीर भाई के साथ। Hello. और सायरी तो ऑलरेडी अंदर जा भी रही है। तो गाइस, ये रहा आपका कार पार्क। तो हम जा रहे हैं नर्सरी के अंदर, वो रहा रीडल्स क्रीक नर्सरी। तो गाइस, तो ये जगह आपका है सनबरी में। सो ये आपका हो जाता है रीजनल एरिया। तो चलिए गाइस, अंदर चलते हैं नर्सरी को। टू ऑल द प्लांट लवर्स, स्टिक विद मी। फ्लैशबैक। ओके गाइस, नर्सरी में जाने से पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने किया था एक हाइक। ये हाइक हुआ था आपका येलो गम सर्किट प्लेंटी वैली में। ये हाइक था लगभग 8-10 किलोमीटर्स का हाइक। मॉडरेट टू हार्ड था, तो फिर हमारा काइंड ऑफ लाइक फर्स्ट हाइक भी था। अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को पूरा क्लिप ले नहीं आ पाया बिकॉज मेरे फ़ोन का बैटरी डाउन हो गया था। फिर भी मैंने नेचर का थोड़ा क्लिप ले लिया था, वो आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। और फिर मेरे दोस्त से भी थोड़ा एयर ड्रॉप करवा लिया था। इसमें अच्छे अच्छे वाले सीन है, वो ऑब्वियसली मिस नहीं कर सकते। तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का कैंगरूज नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। लेट्स गो। Three days later. यहाँ पे सारे के सारे मल्च लगा के रखा हुआ है जो आपका प्लांट का सोइल हो जाता है। और ये रहा एंट्री। ये देखिए भाई, पूरा यहाँ पे सामान मिल जाता है आपको। प्लांट पॉटिंग मिक्स, ये रहा आपका प्लांट के लिए रोज का। और वहाँ पे सारा का सारा सोइल है और बहुत सारे सुविनियर्स और डेकोरेशन वाले सामान भी मिलते हैं यहाँ पे। बुक भी मिलते हैं यहाँ पे। देखो भाई, बुक भी है। अगर आपको घर को न्यूयॉर्क जैसे बनाना है तो न्यूयॉर्क ब्लूम। और समीर भाई को लगता है पसंद आया है, वो देख रहे हैं कौन सा प्लांट लगाना है घर पे। हाँ सही है। चलो गाइस, बाहर जाते हैं। बाहर बहुत सारे प्लांट लगा हुआ है। आउटडोर सिटिंग एरिया भी, मतलब आप खरीद सकते हो ये। तो गाइज, ये है आपका नेटिव सेक्शन। नेटिव सेक्शन में आपको मिलेगा पूरा ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनियस प्लांट। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बुली कोस्टल क्रीपर। लगता है ये नेटिव प्लांट होगा। इट्स अ क्लाइंबर। और ये रहा आपका मंडी, ये भी लगता है क्लाइंबर्स होगा। ओके, यहाँ पे आपका है नेटिव लेकिन टाइप ऑफ लिली पिली है। मज़ेदार फ्लावर्स भी आएगा, स्मेल भी अच्छा आ रहा है। तो फिर ये पूरा आपका नेटिव सेक्शन है गाइज। ये देखिए गाइस, आपका यहाँ पे है एक्टिना फॉरेस्ट फ्लेम। स्मेल भी बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये रहा आपका स्मॉल लिली पिली जो हमने पहले देखा था, वो बड़ा वाला था, ये स्मॉल वाला है आपका। और आपका यहाँ पे चेरी ब्लैक। ओहो, ये देखिए भाई, यहाँ पे आपका लॉन्ग आइलैंड लिखा हुआ है। तो लगता है इसी प्लांट से आप वो लेमन निकाल सकते हो इसमें से, तो फिर वो लॉन्ग आइलैंड ड्रिंक बनता है ना, वही होता है। और ये रहा आपका बेबी लिली।
तो ये देखो गाइज आपका यहाँ पे है लोमेंड्रा, तो फिर ये आपका बुश जैसा बन जाता है प्लांट। तो गाइज यहाँ पे आपका है हेजिंग वाला सेक्शन, तो फिर यहाँ पे आपको मिलेगा प्लांट जो हेज का काम करेगा, तो मतलब स्क्रीनिंग का काम करेगा। वो जो साइड में वॉल होता है उसके जगह पे ये प्लांट लगा सकते हो, अच्छी तरह डिवाइड भी हो जाएगा और अच्छा दिखेगा भी। और हमारे समीर भाई भी ले जा रहे हैं वही। तो ये रहा गाइज आपका, ये भी हो गया नेटिव वाला प्लांट्स। तो फिर यहाँ पे है आपका वॉटल, बढ़िया सा हो जाता है, देखिए ऐसा फ्लावर निकलता है इसमें से। और यहाँ पे देखिए गाइस कितने ब्यूटीफुल सा फ्लावर निकल के आया हुआ है, ब्लूम हुआ है। वो देखिए भाई पूरा ऊपर पे ऐसे लगा के रखा हुआ है, सो दैट इट लुक्स लाइक अ अम्ब्रेला, अमेजिंग। और यहाँ पे और फ्लावर्स देखिए भाई, बढ़िया सा दिख रहा है। और ये रहा आपका वियोला फ्लावर, ये है आपका स्नैप ड्रैगन। और ये देखिए भाई ये आपका है यूकेलिप्टस। और अच्छी बात यूकेलिप्टस का क्या होता है कि ये आपका मेडिसिनल वैल्यूज भी होता है इसमें, तो फिर बढ़िया सा भी दिखेगा घर पे और बड़ा होने के बाद ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा। और आपका डिफरेंट वैरायटीज का यूकेलिप्टस भी है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा वाला यूकेलिप्टस। गाइस अभी हम आए हैं कैमेलियस सेक्शन में, तो फिर आप लोगों को कैमेलियस का फूल दिखाऊंगा, लेट्स गो। तो ये रहा आपका कैमेलियस वाला सेक्शन। यहाँ पे आपका और भी वेराइटीज है कैमेलिया का, तो यहाँ पे देख सकते हो वो पिक्चर में देख रहे हो आप, सफेद वाला फूल निकल के आया हुआ है इस प्लांट से भी ऐसे निकलेगा। और यहाँ पे आपका है कैमेलिया का पिंक वाला फ्लावर का प्लांट, देखिए कितना छोटा सा है अभी, लेकिन अभी फ्लावर नहीं देखोगे आप क्योंकि अभी सीजन नहीं है। जैसे सीजन आएगा फ्लावर पूरा ब्लूम होने लग जाएगा, लेकिन आप पिक्चर में देख ही सकते हो जैसे फ्लावर कैसा बनता है इस प्लांट से। तो ये देखो गाइस यहाँ पे वेजिटेबल पैच बना हुआ है, तो आप देख सकते हो टमाटर, ओह वाह क्या बात है यार। तो ये रहा आपका सिट्रस ट्री सेक्शन, तो फिर यहाँ पे पूरा सिट्रस का ट्री मिल जाएगा आपको। तो फिर चलो देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन लेमन खाता है। ऑब्वियसली सारे के सारे लोग लेमन खाते होंगे, लाइम खाते होंगे, तो दिस इज द पैराडाइज फॉर द लेमन लवर्स। ये रहा आपका टहीटन लाइम, तो जैसे ये लाइम देख के ना मुझे तो कॉकटेल याद आ रहा है भाई, मुझे पूरा कॉकटेल बनाने का दिल कर रहा है। ये लिस्बन लेमन है, तो आपका हो गया पोर्चुगल का लिस्बन। और ये आपका रहा यूरेका लेमन, तो गाइज दिस इज योर ग्राफ्टेड लेमन। तो ये जो पॉट में होता है वो वाला नहीं, ऐसे दीवार में होता है ना जो लेमन, वो वाला ऐसे आपको सपोर्ट यहाँ पे पीछे, और फिर लेमन आपका पूरा। तो ये देखिए भाई कितना अच्छा दिख रहा है ये ट्री, जैसे पूरा अम्ब्रेला वाला शेप में। इमेजिन इफ यू हैव दिस ट्री एट योर बैक यार्ड, अच्छा से सेटअप करके चेयर वेयर लगा के उसके नीचे बैठ के चाय पीते हुए आराम से इवनिंग में बैठो तो कितना अच्छा लगेगा ना। जैसे हमने अभी सिट्रस ट्री वाला सेक्शन देखा, इसी तरीके से हम सीडलिंग वाला सेक्शन भी देखेंगे। तो ये देखिए भाई आपका हो गया रॉकेट्स, तो सैलेड में डालते हैं हम। और ये आपका स्पिनिच, तो पालक हो गया आपका। रॉक मिनरल्स भी मिल जाता है जो आप वेजी गार्डन में डालते हो जब आप भी ये फीड एंड कंडीशन ऑल हर्ब्स एंड वेजीज लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सारा का सारा सीडलिंग्स है, जैसे ये हो गया आपका रेडिश। और यहाँ पे बीट रूट का भी है, और इतना महंगा भी नहीं है भाई, यहाँ पे $6.95 का है। और ये रहा आपका बेबी बीट, वाटरमेलन का, यहाँ पे कॉलीफ्लावर भी है, फिर रेड कैबेज आपका, देखिए भाई कितना अच्छा दिख रहा है। और आपका यहाँ पे पक चोई जो आप एशियन कुकिंग में डालते हो। अभी तक तो हमने देख लिया सिट्रस ट्री, सीडलिंग्स, और आप में से आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल लव चिलीज इन द फूड। तो ये देखिए भाई इतना अच्छा वाला चिल्ली वाला प्लांट है, दिल कर रहा है अभी ले जाओ। ये तो कैरोलाइन रीपर है भाई, ये वर्ल्ड का हॉटेस्ट चिल्ली, एट दिस एक्सट्रीम +++ लिखा हुआ है। आपका रहा घोस्ट चिल्ली और इसमें +2 है। और ये रहा आपका कैप्सिकम, जो ये तो स्पाइसी ज़्यादा नहीं होता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसमें। हमारे समीर भाई भी ले जा रहे हैं एक चिल्ली वहाँ पे घर में प्लांट करने के लिए। भाई इसे हमारे विवेक भाई बोलते हैं आइस बकेट चैलेंज, वो करना पड़ेगा, आइस पैक लगेगा। हाँ आइस पैक लगेगा एक्सट्रीम प्लस भाई।
तो गाइस ये देखिए आप, ये है आपका हॉप्स क्राफ्ट बियर। तो फिर ये प्लांट यूज होता है बियर बनाने में। वाह क्या बात है भाई। तो ये रहा गाइस आपका सेक्शन, यहाँ पे आपको मिलेगा हर्ब्स। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, रोजमेरी का हर्ब्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजमेरी। यहाँ पे आपका और भी हर्ब्स है। तो फिर जैसे देख सकते हो चाइव्स, गार्लिक, मतलब गार्लिक वाला चाइव्स, और फिर यहाँ पे लेमन बेजिल और बेजिल, ये सारे के सारे यूज हो जाता है आपके पास्ता बनाने में, बढ़िया सा टेस्ट आता है। यहाँ पे बेजिल स्वीट भी है और मिंट चॉकलेट, और आपका मिंट ये हो गया पुदीना, और यहाँ पे और भी हर्ब्स है, बहुत सारा फ्लेवर देता है भाई ये हर्ब्स। और ये देखिए भाई आपका मैंगो पंच रिडल्स क्रिक नर्सरी लिखा हुआ है। ये इस प्लांट का आपका लगेगा 39.95। और ये हैंगिंग प्लांट्स, मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है हैंगिंग प्लांट्स। आप लोग बताना आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, कमेंट मार देना एक, लुक्स ब्यूटीफुल ना। और ऐसे ही हैंगिंग प्लांट यहाँ पे भी है एक, और बढ़िया सा दिख रहा है। और गाइस ये है आपका ग्रास सेक्शन। तो फिर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस है यहाँ पे, फिर लोग ग्रास भी खरीद के ले जाते हैं भाई यहाँ पे, ये देखिए भाई। और ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मोंडो ग्रास डॉर्फ 495 इंच। ये देखिए शुरू करते हैं यहाँ से गाइस। तो फिर यहाँ पे है आपका विस्टेरिया चाइनीज। तो फिर जैसे ये आप देख सकते हो ये प्लांट, इसमें हो जाएगा आपका ऐसा फ्लावर, जब आप हैंग करोगे दीवार में तो फिर ऐसा वाला फ्लावर ब्लूम होके निकलेगा। ये आप देख सकते हो मेरे साइड में ये पाइन, और ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी का पाइन है। जैसे आप देख सकते हो एक वेराइटी यहाँ पे है जूनिपेरस चाइनीसिस वेलन गोल्ड। तो फिर ये भी देख सकते हो गोल्डन कलर का है, तो फिर इसलिए नाम भी कसल वलन गोल्ड हुआ होगा। लुक्स लाइक इट्स ऑल द साइंटिफिक नेम्स। ये देखो गाइस कितना सफेद वाला ब्लूम होके फ्लावर निकला हुआ है। तो आज बहुत मजा आया गाइस, इट्स अमेजिंग। सो वेदर भी अच्छा है, और फिर हम आए नर्सरी में, व्हाट कैन यू आस्क फॉर, रिलैक्सिंग सम मोमेंट है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। बट दिस इज नॉट द एंड, लेट्स गो गाइस, और भी देखते कंटिन्यू द जर्नी विद मी स्ट्रोल विद आरी। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बॉक्सेस सेक्शन में। तो फिर ये बॉक्सेस आपका हो गया हेज, अ टाइप ऑफ हेज। तो आपका ये है बॉक्सेस इंग्लिश बॉक्स। तो फिर ऐसे जैसे आप पॉट में देख सकते हो पिक्चर में, ये बॉक्स बन के बड़ा सा बन के ऐसा बॉक्स बन जाता है। ये सारा का सारा इंग्लिश बॉक्स रहा आपका। और आपका ये जो ट्री देख सकते हो ये है आपका रायोबिना ट्री। और फिर ये देख सकते हो ये भी हेज है आपका, लेकिन छोटा वाला है ऑब्वियसली, इट्स गोना बी चीपर, स्मॉलर द चीपर। और ऐसे नर्सरी में आने का मजा कुछ और है भाई, क्योंकि आपको बस प्लांट नहीं ऐसा चीज भी देखने को मिलेगा। देखिए भाई कितना अच्छी तरीके से सेट किया हुआ ये, ऐसा फाउंटेन है, और दिस वन ऑपरेट्स ऑन सोलर। तो गाइस अभी हम आए हैं फ्लावर सेक्शन में, फिर आप लोगों को फ्लावर दिखाता हूँ। हु डजंट लाइक फ्लावर, राइट? लेट्स गो। गाइज अभी हम आए रोज सेक्शन में। तो फिर रोज इज द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स इन माई बिलीफ। सो आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले येलो रोज, फ्लोरीबुंडा बोलते हैं इसे। तो फिर ये रहा आपका येलो रोज, ये आपका रहा पिंक रोज, और आई एम श्योर लाइक सारी लेडीज को पसंद आएगा ये, क्योंकि नाम है सिडक्शन। तो गाइज ये रोज देखिए, ये रोज का कलर डिफरेंट सा है, तो फिर इसको बुलाते हैं आप ईपटाइड। तो ये देखिए गाइज ब्यूटीफुल सा रोज, बढ़िया सा फ्रेग्रेंस भी आ रहा है। ऑल ऑफ द रोजेस से सबसे वाला बेस्ट रोज कौन सा होता है? रेड रोज। ये गाइस ओ, इसमें लेकिन थोन भी होता है, यू गॉट बी केयरफुल। और ये देखिए भाई कितना सुंदर सा रोज है। ओके गाइस, तो फिर आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन, एडियोस फ्रॉम एडी।